हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गवर्नमेंट जॉब स्टडी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम देखेंगे रेलवे ARLP का जो CBT 2 का ट्रेड ओरिएंटेड एग्ज़ाम होगा, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का जो पेपर होगा उसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, MCQs, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें। तो आइए देखते हैं। एन चैनल मॉस्फेट में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो एन चैनल का मॉस्फेट है, तो पी टाइप का मटेरियल यूज करेंगे। इसका आंसर बी पार्ट हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, एन चैनल मॉस्फेट में पी टाइप के पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। दोनों सिरों पर हाई डोपिंग वाले एन क्षेत्र स्थापित किए जाते हैं, जिसमें ड्रेन तथा दूसरा सोर्स होता है। अगला है, एन चैनल मॉस्फेट में कंडक्शन होता है। तो एन चैनल मॉस्फेट हो तो कंडक्शन जो होगा वो इलेक्ट्रॉन के कारण होगा। इसका आंसर बी पार्ट हो जाएगा। और यहीं पे अगर पी चैनल मॉस्फेट होगा, पी चैनल, तो कंडक्शन किसकी वजह से होगा? वो होल्स के कारण होगा। अगला है कि डिप्लीशन मॉस्फेट तथा इन्हेंस मॉस्फेट जो होता है उसमें मुख्य अंतर क्या होता है? इन्हेंसमेंट मॉस्फेट में अनुपस्थित होता है, तो एन चैनल और पी चैनल का मॉस्फेट नहीं है, ये डिप्लीशन मॉस्फेट है और इन्हेंसमेंट मॉस्फेट है। तो इसमें अंतर क्या होता है? तो जो इन्हेंसमेंट मॉस्फेट होता है उसमें चैनल नहीं होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा। इसमें गेट टर्मिनल पर पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करके चैनल क्रिएट करते हैं, और डिप्लीशन मोड में पहले से चैनल होता है। यहाँ पे डिप्लीशन तथा इन्हेंसमेंट में मुख्य अंतर यही है कि इन्हेंसमेंट में चैनल नहीं होता है, अनुपस्थित होता है। गेट पर पॉजिटिव सप्लाई देकर वोल्टेज आरोपित करके चैनल क्रिएट किया जाता है। डिप्लीशन प्रकार का मॉस्फेट प्रचलित होता है, तो डिप्लीशन टाइप का मॉस्फेट है, तो डिप्लीशन मोड में कंडक्शन करेगा। इन्हेंसमेंट में डिप्लीशन और इन्हेंसमेंट दोनों मोड में या इनमें से कोई नहीं, तो डिप्लीशन टाइप का जो मॉस्फेट होता है वो डिप्लीशन में करता ही है और इन्हेंसमेंट में भी मोड में भी ऑपरेट करता है, कंडक्शन करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। दोनों मोड में कंडक्शन करता है डिप्लीशन टाइप का मॉस्फेट। एक मॉस्फेट के साथ प्रचलित किया जाता है केवल धनात्मक गेट वोल्टेज, केवल ऋणात्मक गेट वोल्टेज, धनात्मक और ऋणात्मक गेट वोल्टेज दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो मॉस्फेट पे पॉजिटिव और निगेटिव दोनों वोल्टेज अप्लाई कर सकते हैं। इन्हेंसमेंट टाइप के मॉस्फेट में गेट टर्मिनल पे पॉजिटिव सप्लाई डालते हैं, देते हैं, तो वहाँ पे चैनल क्रिएट होता है, चैनल होता नहीं है। और जो डिप्लीशन टाइप का मॉस्फेट होता है उसमें गेट टर्मिनल पर निगेटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं। तो ये दोनों वोल्टेज अप्लाई कर सकते हैं गेट टर्मिनल पर मॉस्फेट में। इसका आंसर सी पार्ट हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? सी पार्ट। ये है, युक्ति में कम आवाज़ उत्पन्न होती है गेट में, ट्रायोड में, आइडियल ट्रांजिस्टर में, टेट्रोड में, और ये संधि प्रभाव JFET में। यहाँ पे कितने ऑप्शन दे दिया है? यहाँ पे पांच ऑप्शन दे दिया है। तो अब बताइए, जो JFET होता है, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, इस डिवाइस में कम आवाज़ उत्पन्न होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा। ये मॉस्फेट को JFET कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मॉस्फेट को JFET? इंसुलेटेड गेट। इंसुलेटेड गेट मतलब SiO2 की लेयर परत चढ़ाने के बाद वो मॉस्फेट बन जाता है JFET। तो मॉस्फेट को क्या कहते हैं? इंसुलेटेड गेट भी कहते हैं। JFET मॉस्फेट को इंसुलेटेड गेट बोलते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। मॉस्फेट को विद्युत रोध इंसुलेटेड गेट JFET कहा जाता है, क्योंकि मॉस्फेट में गेट व चैनल के बीच SiO2 जो लेयर होती है उसी की परत चढ़ाते हैं।
अगला है मॉस्फेट में कि विद्युत क्षेत्र का नियंत्रण करने से चैनल द्वारा नियंत्रित होती है, तो कैपेसिटर है, बैटरी है, जनरेटर है, इनमें से कोई नहीं। तो मॉस्फेट में कैपेसिटर के विद्युत क्षेत्र का नियंत्रण करने से चैनल करंट नियंत्रित होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये पार्ट हो जाएगा। जे फेट का पिंच ऑफ वोल्टेज होता है, तो जे फेट का पिंच ऑफ वोल्ट जो होता है 5 वोल्ट होता है। इसका आंसर ए पार्ट हो जाएगा। मॉस्फेट का जो इनपुट इम्पीडेंस होता है ओम, कुछ 100 ओम, किलो ओम, मेगा ओम, मेगा ओम से अधिक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? मॉस्फेट का जो इनपुट इम्पीडेंस होता है वो बहुत हाई होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेगा ओम से अधिक। इसका आंसर डी पार्ट। यहाँ पे लिखा हुआ है मॉस्फेट का जो इनपुट इम्पीडेंस मेगा ओम में होता है क्योंकि मॉस्फेट में सिलिकॉन डाइऑक्साइड की जो परत चढ़ा देते हैं, तो इसका इनपुट इम्पीडेंस बहुत हाई हो जाता है। एक फेट के सिरों में पीएन संधि होती है, एक फेट के सिरों में जो पीएन संधि होती है वो 2 होती है। इसका आंसर डी पार्ट। एन चैनल जे फेट में चैनल का जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ने पर ड्रेन करंट क्या होगी? तो एन चैनल जे फेट है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होगी वो ड्रेन करंट के बढ़ने पर बढ़ेगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा। जे फेट में जो नियत धारा क्षेत्र के बीच होती है, जे फेट में नियत धारा क्षेत्र के बीच होती है, कट ऑफ और संतृप्त, कट ऑफ और पिंच ऑफ और ब्रेकडाउन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? पिंच ऑफ और ब्रेकडाउन के बीच में जो होती है वो नियत धारा होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट। कट ऑफ क्षेत्र में जे फेट का चैनल होता है, तो कट ऑफ क्षेत्र में जे फेट का जो चैनल होता है ऑप्शन है अपने व्यापक बिंदु पर, डिप्लीशन क्षेत्र पर पूरी तरह से क्लोज होता है, बहुत पतला होता है, रिवर्स वाइज होता है। तो कट ऑफ क्षेत्र में जे फेट का जो चैनल होता है, डिप्लीशन क्षेत्र पूरी तरीके से क्लोज होता है। इसका आंसर बी पार्ट हो जाएगा। यदि एन चैनल डिप्लीशन मॉस्फेट में गेट टर्मिनल गेट को धनात्मक वोल्टेज दिया जाए तो उसका प्रचलन होगा। तो एन चैनल डिप्लीशन मॉस्फेट है, उसमें गेट को जैसे ही पॉजिटिव सप्लाई देंगे वो इन्हेंसमेंट मोड में वर्क करने लगेगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा। पॉजिटिव सप्लाई गेट पे दे रहे हैं मॉस्फेट में, तो वो इन्हेंसमेंट टाइप में वो ऑपरेट करने लगेगा। पिंच ऑफ पर जो ड्रेन करंट का मान होगा इनफाइनाइट होगा, 0 होगा, नियत होगा, कांस्टेंट, या इनमें से कोई नहीं। तो पिंच ऑफ पर जो ड्रेन करंट का मान होगा वो कांस्टेंट होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट। अगला है मुख्य प्रकार के जो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो मुख्य प्रकार के जो ट्रांसफर होते हैं वो जे फेट होते हैं और मॉसफेट होते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ सी होगा। जे मुख्य प्रकार के जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो ट्रांजिस्टर होते हैं, सॉरी, वो कौन कौन से होते हैं? जे फेट होता है और मॉसफेट होता है। और मॉसफेट में 2 टाइप के होते हैं, कौन कौन से? डिप्लीशन टाइप और मॉसफेट टाइप, इन्हेंसमेंट टाइप। अगला है मॉस्फेट में सेमीकंडक्टर मटेरियल की जो सबस्ट्रेट डोपिंग होती है वो सोर्स और ड्रेन की अपेक्षा मध्यम होती है, सोर्स और ड्रेन की अपेक्षा कम, सोर्स और ड्रेन से की अपेक्षा अधिक, इनमें या इनमें से कोई नहीं। तो मॉस्फेट में जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है उसकी जो डोपिंग होती है वो सोर्स और ड्रेन की अपेक्षा कम होती है। इसका आंसर क्या होगा? बी पार्ट होगा।
एन चैनल मॉसफेट के इन्हेंसमेंट मोड में प्रचलन के लिए गेट कॉमन होता है। तो एन चैनल मॉसफेट है, इसको इन्हेंसमेंट मोड में कंडक्शन करवाना है, तो गेट पर क्या देते हैं, पॉजिटिव सप्लाई देते हैं, हाई पॉजिटिव सप्लाई देंगे हम गेट टर्मिनल पे, क्योंकि चैनल नहीं होता है इन्हेंसमेंट में, वो चैनल क्रिएट होता है गेट टर्मिनल से। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। चित्र में प्रतीक है कौन सा, पी चैनल जेफेट, एन चैनल जेफेट, पी चैनल मॉसफेट, एन चैनल मॉसफेट। तो ये एन चैनल जेफेट का प्रतीक है, इसका आंसर कौन सा होगा, बी पार्ट हो जाएगा। चित्र में किसका प्रतीक है, तो चित्र में जो है ऑप्शन है एन चैनल जेफेट, पी चैनल जेफेट, एन चैनल डिप्लीशन मोड, पी चैनल इन्हेंसमेंट मॉसफेट। तो इसका आंसर क्या होगा, किसका प्रतीक है, पी चैनल इन्हेंसमेंट मॉसफेट है, इसका आंसर क्या होगा, डी पार्ट हो जाएगा। पी चैनल इन्हेंसमेंट मॉसफेट, ये आंसर इसका बना के दिखाया है। चित्र में ये किसका प्रतीक है, चित्र में किसका प्रतीक है, ऑप्शन एन चैनल जेफेट है, एन चैनल डिप्लीशन मॉसफेट है, पी चैनल इन्हेंसमेंट मॉसफेट है, पी चैनल जेफेट है। तो ये एन चैनल डिप्लीशन टाइप का मॉसफेट है, इसका आंसर बी पार्ट हो जाएगा।